गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7. कैन यू सी द पैटर्न? एंड इट इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों ने इससे पहले के दोनों पार्ट अच्छी तरह से कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेफ्ट राइट सेम टू सेम एंड दिस टू आर टॉकिंग About 121. She is saying, can you see something special about 121? So he is saying, what? It's just a number. So she is saying, see, it is the same forward as well as backward. So he is saying, oh yes, it is 121 from right to left also. अब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये कहती है कि क्या आप बता सकते हो कि 121 में क्या स्पेशल है? तो बोलता है, ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक नंबर ही है. तो ये कहती हैं कि इसे आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी भी तरह से देखो, यह वही नंबर रहता. तो ये कहते हैं हाँ, यह राइट और लेफ्ट दोनों से ही 121 है. अब ये कहती हैं, कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर. आओ हम देखते हैं कि इस तरह के नंबर कैसे हमें मिलते हैं. टेक अ नंबर से 43, नॉट टर्न इट बैक टू फ्रंट 34. अब देखिए, ये कहते हैं यू हैव रिवर्स द नंबर बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट. अब नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं? पीछे वाला जो नंबर है वो आगे लिख दीजिए और आगे वाला नंबर पीछे, तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा. सो आपको एक नंबर लेना है 43 और उसे बैक टू फ्रंट रिवर्स करना है, 34 हो गया. देन ऐड देम टुगेदर, उन्हें ऐड करिए, 77 आया. ना 77 इज़ वन सच स्पेशल नंबर, देयर आर मैनी सच नंबर्स. अब 77 एक स्पेशल नंबर है, इसी तरह से बहुत सारे स्पेशल नंबर है. स्पेशल नंबर कैसे है 77? इसे आप चाहे बैकवर्ड लिखिए या फॉरवर्ड करिए, यह दोनों तरीके से एक ही रहता है. अब ये कहते हैं टेक अनदर नंबर, अब एक दूसरा नंबर लीजिए 48. अब टर्न इट बैक टू फ्रंट, अब इसे बैक टू फ्रंट रिवर्स करना है, क्या होगा ये 84. देन ऐड देम टुगेदर, अब दोनों को ऐड करिए, ये आ गया आपका 132. इज दिस अ स्पेशल नंबर? क्या ये स्पेशल नंबर है? नो, नहीं है ना. वाई नॉट, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इन्हें रिवर्स करते हैं तो यह नंबर सेम टू सेम नहीं रहता है. ओके, अब नहीं है तो क्या करें? कैरी ऑन विद द नंबर. अब इस नंबर को फिर से हम स्टार्ट करते हैं, अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट. अब इसे फिर से रिवर्स करिए बैक टू फ्रंट, तो ये 2 हुआ, 3 मिडिल प्लेस पे वहीं रहेगा और 1 पीछे आ जाएगा, क्या हो गया 231. देन ऐड द टू गेदर, अब इन नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है. तो हमें मिला 363. 363 इज अ स्पेशल नंबर. अब देखिए 363 स्पेशल नंबर है ना, इसे आप चाहे आगे से करिए या पीछे से पढ़िए, दोनों कैसा ही रहेगा 363. सो वी सी दैट टू गेट स्पेशल नंबर वी समटाइम्स नीड मोर स्टेप. तो हमने देखा कि अगर हमें स्पेशल नंबर चाहिए तो हमें कुछ और स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. सो यू हैव अ क्वेश्चन, नाउ यू ट्राई एंड चेंज दीज नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स. आप ट्राई करिए और इन नंबर को चेंज करिए स्पेशल नंबर में. सो यू हैव अ नंबर 28, सो वी कैन सॉल्व दिस. सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेक अनदर नंबर 28. हमने एक नंबर लिया 28, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट 82. देन ऐड देम टुगेदर, अब इन्हें हमने ऐड किया, दिया 110. इज दिस अ स्पेशल नंबर? नो, व्हाई नॉट. क्या स्पेशल नंबर है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि रिवर्स करेंगे तो 011, दैट मीन्स ये 11 ही हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट अ स्पेशल नंबर. सो हम क्या करेंगे? ओके, वी कैरी ऑन विद द नंबर. अब इस नंबर से कैरी करेंगे तो क्या मिलेगा? 110. अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट, अब इसे हम बैक टू फ्रंट टर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? 011.
देन एड द टू टूगेदर, अब इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया, क्या मिल गया हमें 121. नाउ लुक एट 121, इसे आप रिवर्स करिए, देन वी विल आल्सो गेट 121. सो 121 इज अ स्पेशल नंबर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसे सॉल्व करेंगे हम. टेक अनदर नंबर 132, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट 231, देन ऐड देम टुगेदर 363. इन दोनों को ऐड करने पे 363 आएगा, और आप देखिए 363 एक स्पेशल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज 273. We can solve this. Take another number 273. Now turn it back to front 372. Then add them together 645. अब 645 को आप reverse करेंगे तो 546 आएगा. So यह एक special number नहीं है. So is this a special number? No. Why not? क्यों नहीं है? क्योंकि रिवर्स करने पर सेम नंबर नहीं मिल रहा है. सो ओके, कैरी ऑन विद द नंबर. अब हम इस नंबर से फिर से कैरी करेंगे, अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट, फिर से हम बैक टू फ्रंट करेंगे, 546 मिलेगा. देन ऐड द टू नंबर, अब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 1191 मिला. अब ये नंबर भी क्या स्पेशल नंबर है? नहीं है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि इनको रिवर्स करने पर 1911 मिल रहा है, जो 1191 के इक्वल नहीं है. सेम नंबर नहीं मिल रहा रिवर्स करने से, तो हम फिर से इसी नंबर से कैरी करेंगे. ओके, कैरी ऑन विद द नंबर 1191, अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट 1911, देन ऐड द टू टुगेदर, अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या मिला? 3102. अब ये नंबर भी स्पेशल नंबर नहीं है. सो क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर रिवर्स करने से सेम नंबर नहीं मिल रहा है. तो कैरी विद द नंबर 3102, अगेन टर्न इट बैक टू फ्रंट 2013, देन ऐड द टू टुगेदर, अब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 5115 मिल गया. सो अब इसे रिवर्स करिए जरा, क्या होगा? 5115 फिर से मिला, है ना. सो इट इज अ स्पेशल नंबर, सो हम यहाँ पे लिख देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लेट्स यूज वर्ड्स इन अ स्पेशल वे. अब वर्ड्स को हम स्पेशल वे में यूज करेंगे. सो लुक एट दीज टू वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स हैं. अब हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस क्या बना है, नो लेमन्स नो मेलन, एंड सेकेंड सेंटेंस है स्टेप्स नॉट ऑन पेट्स. अब आप इनको पढ़ लिए हैं, डिड यू नोटिस दैट इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. हमने राइट लेफ्ट टू राइट तो रीड किया, अब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं. देखिए एनओ से क्या हुआ, नो, एल ई एम ओ एन, लेमन, एस लेमन्स, नो मेलन, और स्टेप एन ओ टी नॉट ओ एन ऑन पेट्स. तो सेम वर्ड सेंटेंस हमें बोथ साइड से मिल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स बना सकते हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों साइड से कैसे हैं, इक्वल है. जैसे आई, लेवल, रोटेटर, नून, रिफर, टॉप, स्पॉट एक्सेट्रा. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर मैजिक. लुक एट द कैलेंडर बिलो. लेट अस मार्क 3x3 बॉक्स 9 डेट्स ऑन विच ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक. अब कैलेंडर का मैजिक आपको 3x3 का मार्क्स बनाना है जिसमें 9 डेट्स होगी, जैसे 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19. अब मैजिक देखिए, ये बोल रही है आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स. मैं इन नंबर के टोटल तुरंत ही फाइंड कर सकती हूँ. ये कहती वोंट दैट टेक सम टाइम, क्या ये समय नहीं लेगा? ये बोल रही है टोटल 99 है. सो कैसे?
टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है? 3। अब इस पे 8 ऐड करना है तो कैसे आ जाएगा? 11। 3 और 8 11। फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कितना आ गया? 99। नाउ यू चूज 3x3 बॉक्स फ्रॉम अ कैलेंडर एंड फाइंड द टोटल इन द सेम वे। प्ले दिस गेम विथ योर फैमिली। अब आपको भी 3x3 का बॉक्स बनाना है कैलेंडर से और इस गेम को इसी तरह से खेलना है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब इसे हम देखेंगे। पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे 3x3 का। एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे कोई सा भी बॉक्स हम ले सकते हैं। ये हमने नंबर्स ले लिए, ठीक है ना? 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17। अब हमें भी इसी यही स्टेप को फॉलो करना है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम इन्हें। सबसे पहले लिखेंगे टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताइए? सबसे छोटा नंबर है 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 1। अब इस पे हमें क्या करना है? इस पे हमें कितना ऐड करना है? 8। ऐड 8 टू इट। इस पे हमें 8 ऐड करना है तो हम इस पे 8 ऐड करेंगे। ऐड 8 टू इट। अब इस पे हम 8 ऐड करते हैं। प्लस 8 करते हैं हम इस पे तो क्या मिलता है हमें? देखिए आप क्या मिलता है हमें। 8 और कितना हमने ऐड किया? 8 ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा? 9 मिला, ठीक है ना? अब इसमें हम क्या करते हैं? 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई इट बाय 9 ये हम लिखेंगे यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई इट बाय 9 इंटू 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए 9 जा कितना आएगा? 81। 9 जा कितना होगा? 81। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 81। अब हमारा ये टोटल आ गया है 81। तो हम ये देखते हैं कि जो हमें मिला है टोटल इस मेथड से वो हमारा करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, वो हमें देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐड करके। सो हम चेक करके भी देख लेते हैं कि हमने जो किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो फर्स्ट कॉलम को हम ऐड करते हैं 1 + 8 + 15। ये कितना हुआ हमारा? 24 हुआ। अब देखिए आप ये 24 में हम ऐड करेंगे। कॉलम 1 को आप अलग लिख लीजिए। इसके बाद हम कॉलम 2 ऐड करते हैं। 2 + 9 = 11। 11 और 16 कितना हो गया? 27। अब इस वाले को हम लर्न कर ऐड करते हैं। 17 और 3 कितना हुआ? 20 और 10 = 30। तो ये हो गया 30। अब 30 में 27 ऐड करेंगे आप तो 57। 57 में 24 ऐड करेंगे तो 81। दैट मीन्स कि ये मेथड करेक्ट है। तो ये क्या कह रही है कि हे जस्ट टेक द मिडिल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9। सी यू कैन गेट द आंसर इवन फास्टर। अब ये बोल रही है कि अगर मिडिल नंबर को आप लेते हो और उसे 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे ये 9 मिडिल नंबर है ना, इनका 9 में किसका मल्टीप्लाई करना है? उसी 9 से। तो 9 जा कितना हो गया? 81। अब यहाँ का मिडिल नंबर 11 था तो 11 9 जा
99 इस तरह से आ जाएगा। तो ये गेम आप अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हो। अब हमारा है सम मोर नंबर पैटर्न्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सम मोर नंबर पैटर्न्स, टेक एनी नंबर नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2, 3, 4 एंड सो ऑन एट एवरी स्टेप, आल्सो ऐड 3 टू इट इन ईच एट ईच स्टेप, लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर, इज इट द सेम एट एवरी स्टेप। अब आप आंसर में डिफरेंस देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक नंबर लिया है 12 लिया हुआ है, अब यहाँ इसको बढ़ाते गए हैं जैसे 2, 3, 4, 5, अब यहाँ हमें क्या लिखना होगा, यहाँ हम लिखेंगे 6, देन 7, 8, यहाँ क्या होगा 9, और यहाँ पे हर बार क्या ऐड करना है आपको, यहाँ पे ऐड करना है आपको 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर बार क्या रहेगा, यहाँ 12 ही रहेगा, तो यहाँ हम 12 लिख देते हैं, ये 12। अब देखिए अब यहाँ पे क्या नंबर, 12 टू जा 24 और 3 27, 12 3 जा 36 और 3 39, 12 4 जा 48 और 3 51, 12 5 जा 60 एंड 3 63, 12 6 जा 72 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका 75, 12 7 जा 84, 84 एंड 3 87, 12 8 जा 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, 12 9 जा 108 एंड 3 100, यहाँ पे आएगा आपका 111। नाउ ट्राई डूइंग इट विथ सम अदर नंबर एंड आल्सो टेक अ डिफरेंट नंबर टू ऐड एट ईच स्टेप। अब आप इस तरह से किसी और नंबर के साथ भी कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13, लुक एट द नंबर बिलो, इन नंबर्स को देखिए, लुक फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड, क्या आप इसे आगे ले जा सकते हो। 9 में से 1 माइनस करके उसे 8 से डिवाइड किया तो 1 आया, 9 में 1 माइनस किया 8, 8 में 8 का डिवाइड किया 1, 98 में 2 माइनस किया कितना आया 96, 96 में 8 का डिवाइड किया 12, 987 में 3 माइनस करके 8 का डिवाइड किया 123। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, अब ये हो क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 से नंबर कम कर रहे हैं, 9, 8, 7, 6, 5 देन 4, माइनस क्या करना है आपको, माइनस क्या करना है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपको क्या माइनस करना होगा, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ था वो 4 नहीं होगा, वो होगा 5। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ हमें लिखना होगा 6, अब 6 माइनस हमने किया और 8 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1, 2, 3, 4, 5 देन 6। अब यहाँ हमें क्या लिखना है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और माइनस क्या करना है इस बार 7, तो नंबर क्या मिलेगा हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट एडिंग, दीज टू गर्ल आर टॉकिंग, वाट इफ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टूगेदर, क्या होगा अगर कोई आपको 10 नंबर ऐड करने को देता है। ओ आई कैन फाइंड इट क्विकली, ये कहती है मैं इसे बहुत जल्दी फाइंड कर लूँगी। स्मार्ट, हाउ कैन यू डू दिस, स्मार्ट कैसे करोगे ये बताओ जल्दी। तो आई कैन गेट द सम विदाउट एडिंग, मैं सम को बिना ऐड करे गेस कर सकती हूँ, मैं पा सकती हूँ। देखिए 1 से लेकर 10 तक का सम कितना है 55, इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक का सम 155। तो आपको यहाँ नंबर भरते जाना है 13, देन 14, 15, 16, 17, 18,
19, फिर 21 का से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, then 30. अब ये सम क्या होगा आप ये बताइए. तो ये सम होगा आपका 255. देन 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40. ये सम होगा आपका 355. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. तो ये सम क्या होगा आपका 455. देन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. ये सम हो गया आपका 555. देन 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. ये सम हो जाएगा आपका 655. सो डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर. क्या पैटर्न है कि 155 के आगे 1 बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना. अब फन विथ ऑड नंबर. अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपका स्मार्ट एडिंग था. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्या हुआ, 14. ये है क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15. फन विथ ऑड नंबर. टेक द फर्स्ट टू ऑड नंबर, नाउ ऐड देम, सी व्हाट यू गेट. अब दो फर्स्ट टू ऑड नंबर लेने हैं और उनको ऐड करना है, देखो क्या होता है. नाउ एट एवरी स्टेप ऐड नेक्स्ट ऑड नंबर, और हर नेक्स्ट स्टेप में अगला ऑड नंबर आपको ऐड करना है. तो फर्स्ट टू ऑड नंबर क्या है, 1 और 3, दोनों ऐड करने से 4 हुआ. ये आप इसे लिख सकते 2 इंटू 2. 1, 3, 5 है, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, ऐड करने से 9 आया, 3 इंटू 3. 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7, इनको ऐड करने 16 आया, इन्हें हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4. फिर 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद का सब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 और 1, 10, 5, 3, 18 और 7, 25. तो क्या आ गया यहाँ पे, 25. और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5. अब देखिए इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 36, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6. ये हो जाएगा आपका 49 एंड वी कैन राइट इट 7 इंटू 7. हाउ फार कैन यू गो ऑन. और तो इस तरह से आप कितनी दूर जा सकते हैं, जितना भी जा सकते हैं आप उसे करिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्रेट नंबर. बन्नो एंड विनोद वर प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर. ईच ट्राइड टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लू. अब सभी ने ट्राई किया दूसरे के नंबर से, क्लू के अकॉर्डिंग दोनों ने. कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर, तो क्या आप उनका सीक्रेट नंबर गेस कर सकते हैं. सो इट इज़, आप इसे क्वेश्चन नंबर भी बना सकते हैं. क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 15, सो इट इज़ क्वेश्चन 16. यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 16 डाल दीजिए. इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100.
100 के हाफ से ये बड़ा है, 50 से बड़ा है, एंड मोर देन 610 और 610 से बड़ा है, दैट मीन्स कि 60 से भी बड़ा है, एंड लेस देन 710 दैट मीन्स 70 से कम है, एंड 10 डिजिट ऑफ वन मोर देन वंस 8 डिजिट। और इसका 10 डिजिट कैसा है, 10th डिजिट इसका वन मोर देन 18 वन डिजिट। अब वन डिजिट से वन ज़्यादा है इसका 10 डिजिट, तो इसका आप देख लीजिए 10th डिजिट वन मोर देन वंस डिजिट। तो 10th डिजिट तो हमको पता चल गया है कि 6 है, तो वंस डिजिट से ये वन ज़्यादा है, दैट मीन्स वंस डिजिट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। टूगेदर द डिजिट हैव सम ऑफ 11, दैट मीन्स नंबर कितना हो जाएगा 65। इसे हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिए, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, दैट इज नंबर इज, नंबर का जो हाफ है वो 100 से बड़ा है, एंड इट इज, तो ये नंबर जो है 100 से कैसा है, 100 का हाफ से बड़ा है। इट इज़ मोर देन 610 एंड लेस देन 710, दैट मीन्स नंबर 70 और 60 के बीच का है, एंड द 10th डिजिट वन मोर देन वंस डिजिट। तो आप देखिए 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट वन मोर देन वंस डिजिट, 10th डिजिट आपका वंस डिजिट से एक ज़्यादा है, और 10th डिजिट आपका देख लीजिए क्या है, 6 है, हमें ये पता है। तो वंस डिजिट कैसे निकालेंगे आप, 10th डिजिट में से 1 कम कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वंस डिजिट इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 माइनस 5, तो ये 1 इक्वल टू 5 आ गया। टुगेदर द डिजिट हैव द सम ऑफ 11, तो 10th डिजिट 6 है और वंस 5, तो ऐड करने पे 11 आ रहा है, दैट मीन्स नंबर कितना हो गया 65। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आप कौन सा नंबर देंगे, क्वेश्चन 16। होगा ये, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, ये 100 के हाफ से कम है, और 410 से ज़्यादा है, 510 से कम है, दैट मीन्स नंबर 40 और 50 के बीच का है, और 10th डिजिट 2 मोर देन वंस डिजिट, तो 10th डिजिट वंस डिजिट से 2 ज़्यादा है, तो 10th डिजिट हमें क्या पता है 4 है, और वंस डिजिट से ये 2 ज़्यादा, देन मीन वंस डिजिट 2 होगा तो 42 हो जाएगा, 42 के नंबर को ऐड करिए 6 आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते। सो यहाँ पे देखिए कि द स्मॉलर, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, तो नंबर कैसा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो नंबर है 100 से छोटा है, नंबर 100 से कैसा है, 100 से छोटा ही है, तो इट इज़ मोर देन 4 tens एंड लेस देन 5 tens, ये 4 tens से ज़्यादा है और 5 tens से कैसा है, 5 tens से कम है, तो नंबर 40 और 50 के बीच होगा, और ये बोल रहा है कि 10th डिजिट वंस डिजिट से 2 ज़्यादा है, तो 4 में से 2 माइनस करिए 2 आ गया, तो दोनों का सम 6, तो ये हो गया 4 plus 2 6, therefore नंबर इज 42। अब यहाँ पर देखिए, द राइट द सेट ऑफ क्लूज फॉर सीक्रेट नंबर योर ओन, देन गिव इट इज टू फ्रेंड टू गेस योर सीक्रेट नंबर, तो इस तरह से आप अपने सीक्रेट नंबर बना सकते हैं और अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सरप्राइजेस अबाउट, सो क्वेश्चन नंबर ए इज, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज, एड 5 टू इट, मल्टीप्लाई द सम बाय 2, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, नेक्स्ट डिवाइड इट बाय 2, व्हाट डू यू गेट, इट इज योर फ्रेंड सरप्राइज। तो देखिए, आप अपने फ्रेंड से कहिए कि आप अपना एज लिखिए, उस पर 5 ऐड करिए, उस पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, 10 सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर उसे 2 से डिवाइड करिए, तो क्या मिलता है, क्या आपका फ्रेंड सरप्राइज होता है, तो इसे आप सॉल्व भी करेंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व। सो यू कैन सॉल्व दिस, लेट अस अज्यूम द एज बी 11, एज हम 11 अज्यूम करते हैं, सो 5 ऐड करने पे 16 मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32, 10 सब्ट्रैक्ट करने पर 22, और 2 से डिवाइड करने पे 11, दैट मीन्स कि जो नंबर हमने स्टार्ट किया था वही नंबर हमें मिला, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि देखो तुम्हारे पास वही है ना जो बचा, जो तुम्हारा एज था, तो इस तरह से हो सकता है। अब हमारा इसी का बी नंबर है, टे का नंबर, अब आप कोई नंबर लीजिए
और फिर उसे डबल करिए। डबल करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करिए 5 से और 10 से डिवाइड करिए, फिर आप अपना आंसर चेक करिए। तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं, नंबर लेते हैं हम 2, फिर 2 को डबल करते हैं, तो डबल करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, फिर इसे 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 20। अब 20 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला 2। दैट मीन्स हमें वही नंबर मिला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसी तरह से आप कोई नंबर लीजिए, टेक अ नंबर, तो चलिए हम 4 ले लेते हैं, डबल करना है इसे तो 4 × 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ 2 का डबल था 2 × 2, लेकिन हर जगह उसी नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, डबल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 × 2 जा कितना हो गया 8, फिर से इसे डबल करना है तो हम इसे करेंगे डबल, 8 × 2 जा कितना हो जाएगा, 8 × 2 जा हो जाएगा 16। फिर ऐड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। अब आपको वो नंबर ऐड करना है जो आपने पहले लिया था, तो हम 16 में हमने क्या लिया था नंबर, 4 लिया था, तो वो हमें क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 16 + 4 = 20। अब 20 को भी डबल करना है तो 20 को डबल करिए तो 20 × 2 कितना होगा 40। अब इसे 40 को 10 से डिवाइड करिए, तो 40 को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 10 × 4 = 40, हमें फिर से 4 ही मिल जा रहा है। इस तरह से नंबर सरप्राइजेस हैं बहुत सारे। द नेक्स्ट वन इज टू गेट दिस पैटर्न इफ ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। अब इस नंबर पैटर्न को आगे ले जाना है, देखिए 1 को 1 × 1, 1 × 1 को 11 × 11, 1 × 3 = 21 को 111, 111 × 111, इस तरह से इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, इसमें हम 4 × 1 लेंगे, 111 × 1111। नाउ मेक योर ओन नंबर सरप्राइजेस। तो इस तरह से आप अपने भी नंबर सरप्राइजेस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका रिवीजन एक्सरसाइज स्टार्ट होगा क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।